मंदिर की एक खासियत है क्योंकि ये राजा भोज के द्वारा 1010 से 1015 में बनाया गया था। तो ये है भगवान शिव शंकर का प्राचीन और बहुत ही शक्तिशाली भोजपुर शिव मंदिर, और यहाँ भगवान श्री महाकालेश्वर के दिव्य दर्शन है सीधे आप लोगों के लिए। तो बोलिए एक बार जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि विदिशा शहर में जो बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लग रहा है, तो कैसे वहां सरल और आसान तरीकों से वहां जल्द से जल्द पहुंचा जाए, दिव्य दरबार में शामिल कैसे हुआ जाए। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए कि आप जल्दी से जल्दी दिव्य दरबार में कैसे पहुँचेंगे विदिशा शहर में। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं। यहाँ से आप सीधे इस तरफ जाएंगे गैरतगंज वाले रोड पर हासुआ की साइड में, तो यहाँ से ये ऑटो मिल जाएंगे 30 से 40 रुपये या 10-20 रुपये भी ले सकते हैं। तो ऑटो वालों से अच्छी बात कर लें और इसके बाद जाएं। तो यहाँ से बागेश्वर धाम के लिए निकलें, अहमदपुर चौराहा है ये, यहाँ से सीधे जाएंगे इस साइड। तो अब हम अहमदपुर चौराहे से निकल चुके हैं। यहाँ पर देखें रोड पर दोनों तरफ और बीच में भी बाकायदा पोस्टर लगे हैं बागेश्वर धाम सरकार। यहाँ पर पत्थर बिकते हैं, फर्शियाँ उनकी दुकानें हैं। नहीं ऑटो से आएंगे तो 10 रुपये भी ले सकते हैं, 20 रुपये भी ले सकते हैं अहमदपुर चौराहे से, जहाँ पर मतलब कि जो कार्यक्रम हो रहा वहाँ तक के, और 30-40 भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो। ये देखें बोर्ड लगा है श्रीमद् भागवत कथा। पंखी काली तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ऑटो दिखने चालू हो गए हैं क्योंकि अहमदपुर चौराहे से जहाँ पर भागवत कथा हो रही है वो 2 से 3 किलोमीटर दूरी है। इस रोड पे अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये सभी कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं भागवत कथा से। तो मैं तो भैया जहाँ पर भागवत कथा हो रही वहाँ 2-व्हीलर बाइक से जा रहा हूँ, आप लोग ऑटो से आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, और ट्रेन से स्टेशन उतर कर ऑटो पकड़ सकते हैं। मात्र किराया है 20 रुपये बागेश्वर धाम जाने के। यहाँ पर आ चुके चौराहे पर, यहाँ से देख सकते हैं ऑटो की लाइन लगी है। ये सभी सवारियों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, छोड़ने वाले हैं सभी लोग। हम तो जा रहे हैं भैया अभी प्रवचन सुनने के लिए, पर यहाँ पे पहले ही हवा पानी हवा चलने लगी, देखो टेंट उड़ने लगे, पार्किंग में भी भगदड़ मच रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, लगभग 1 करोड़ के आसपास या ज़्यादा ही होगी पब्लिक, इतनी ज़्यादा है। जहाँ तक नज़र जाएगी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पार्किंग में। सभी लोग आ रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ, मैं थोड़े लेट आया ना इसलिए।
है, भर लेना, प्यास लगेगी ना फिर बाद में। परम कहाँ जा रहा है? परम जा रहा है बागेश्वर जी की कथा सुनने। श्री राम। एक संत कहते थे, अभी जा ही रहे थे रास्ता में कि पानी गिरने लगा, बरसात होने लगी बहुत तेज। अभी हम खड़े हैं बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में। यहाँ लाखों की भीड़ है, लाखों की सॉरी तो यहाँ से सीधे सामने वो पंडित जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बैठे हैं, पर वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ है। और इस साइड भी देख सकते हैं, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक पूरे भक्त ही भक्त, पब्लिक ही पब्लिक। तो यहाँ से अंदर आते हैं, ये देखें बगल में सभी लोग, वहाँ पर स्टॉल लगा है पानी का, उस साइड चाय नाश्ते का। और ये देख सकते हैं ये सभी भक्त आए हैं बागेश्वर धाम सरकार की कथा का श्रवण करने, सुनने के लिए और उनके दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए। तो ये जो पंडाल है ये मेन पंडाल है, इसी में बागेश्वर धाम सरकार वहाँ पर बैठे हैं थोड़े दूर। तो कैमरे में कैद नहीं हो सकते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और बरसात भी हो चुकी है, तो देखें थोड़ा मिट्टी गीली गीली हो गई है। और एक चीज़ बोलेंगे काम की, जो मज़ा मोबाइल में देखने में आता है लाइव बागेश्वर धाम सरकार के जो भी कथा है उसका, यहाँ आने में उससे दुगना मज़ा आता है। परंतु समझ सकते हैं दिक्कतें होती हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। इस पंडाल जो छोटा पड़ गया पंडाल में भीड़ बन नहीं रही है, आजू बाजू में दुगने लोग खड़े हैं जितने की ये पंडाल है ना उससे दुगने। और दो पंडाल वो पीछे बने हैं उनमें भी पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि जगह नहीं है पैर रखने के लिए। और अभी तो शाम के 5 बज रहे हैं, कुछ लोग देखो इस साइड जाने वालों की भीड़ है, जो दर्शन कर चुके वो जा रहे हैं, पर इधर से आने वाले लोग हैं, तो इधर से जो भी हैं वो आ रहे हैं वो लोग हैं। जाने वाला था पर अभी मुझे मालूम चला है कि यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी भी आए हैं, तो मैंने कहा एक बार उनसे भी दर्शन कर लिए जाए। चलो यार।
बाधा पड़ी तो मेरे बहन का मुझे देखना अरे बहुत ज्यादा भीड़ है भाई। केवट के द्वार पर जब भगवान आए तो केवट ने लाल प्रेम से कहा कि प्रभु आप मेरे चरणों को छुला और यदि तो मेरे नाम तो लकड़ी की है, मैं आपके चरणों के धातु से कहीं स्त्री न बन जाए, इसलिए मैं आपके मर्म को जानता हूँ और केवट कहता है कि मैं आपको पार्थ लगाऊंगा। केवट ने भगवान की पूजा की या भगवान से प्रेम किया। चलो भैया हो गए दर्शन, अब घर चलें। पानी गिर गया, पूरे भीग गए और दर्शन भी हो गए। अब ज़्यादा अपन रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब तक काम तो हो चुका, अब घर चलें। बताइए क्या वो धाम वाले बाबा जी राम राम हमें न सुनाई दे। शाकाहार अपनाना शुरू कीजिए, प्रसाद भोग लगा के ठाकुर जी को भोग लगा कर प्रसाद पाएंगे। सबसे पहली जरूरत जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक उस बात पर अमल करे जो भक्त ही भक्त, जनता ही जनता, पब्लिक ही पब्लिक। सीता और रामचरितमानस नहीं पढ़ेगा जब तक उस बात पर नहीं चलेगा जो गोस्वामी जी ने या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उन रास्ता पर नहीं चलेगा तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे होगी। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अरे तो भैया अब हमारे दर्शन हो चुके पूरे बागेश्वर जी महाराज के और उनकी कथा हम पूरी सुनकर अब घर लौट रहे हैं। ये देखो जाने से पहले गेट के दर्शन, जिसे बोलते हैं विजिट अगेन, मतलब दोबारा पधार। ये रास्ता है, सभी लोग यहाँ से आ रहे हैं दर्शन कर कर। कथा सुनने के बाद अब घर चले भैया, बहुत देर हो गई। बागेश्वर धाम सरकार को राम राम। अब हम घर चले, बाइक से आए थे और अब हम जल्दी जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है आगे, इसलिए। ये देखें सभी भक्त लोग अब अपने अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं, तो हमने भी जय श्री राम बोल के सभी से विदा ले ली है। गांव के दर्शन करके घर आ गए भाई, पानी में भीग गए, सिर दुखने लगा। सभी को बाय बाय। अगर आप लोग भी विदिशा में बागेश्वर धाम के दर्शन करना आने चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। अगर कोई दिक्कत होती है पहुंचने में तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय बागेश्वर भाई।